फ्रेंड्स, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो मैं आज आपको बैग ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देख लीजिए, मैंने ब्लाउज की जो लेंथ रखी है, देखिए 14.5 इंच है और मैं गले की मार्किंग 3 इंच की चौड़ाई पे कर रही हूँ। तो यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर देंगे और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर लेते हैं। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर देंगे लाइन को। तो मैंने बराबर कर दिया। अब गले का लेंथ लेंगे, तो मैं गले का लेंथ देखिए 11 इंच रख रही हूँ, यहाँ से मार्क करेंगे और इसको मैं बराबर कर देती हूँ। अब गले की डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे, तो मैं मटका शेप में मार्किंग कर रही हूँ डिज़ाइन, क्योंकि मटका शेप में मुझे डिज़ाइन करना है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो मेरा ने देखिए ब्लाउज के गले को कट कर दिया है। अब मुझे जो डिज़ाइन करनी है उसकी मार्किंग हम करेंगे। तो मैं 1 इंच पे पूरा मार्क कर लेती हूँ। तो देख लीजिए मैं कैसे मार्क करूँगी, आप वीडियो में देखते रहिए। तो मैंने देखिए 1 इंच पे मार्किंग कर दी, इसको मैं बराबर कर लेती हूँ। अब मैं डिज़ाइन के लिए नीचे के साइड भी मार्क करूँगी। नीचे के साइड से मैं मार्क कर लिया है मैंने। अब इसकी मुझे कटिंग करनी है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ। जहाँ से मैंने मार्किंग किया सेम उसी जगह से देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है डिज़ाइन की। अब इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ, इसको बराबर कर लेंगे बिल्कुल। अब इसके बाद हम ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर बराबर रख देते हैं। अब गले को हम अच्छे तरीके से कट कर देंगे। ब्लाउज और अस्तर को मुझे स्टिच करना है साथ में, तो इसको बराबर कर देंगे पूरा। अब एक सिलाई लगा के मैं दोनों को जॉइंट कर लेते हैं अच्छे से पूरा। ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है ब्लाउज की अच्छे तरीके से। अब जो मैंने डिज़ाइन जहाँ से करना है वहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। अब पूरा कट्स लगा लीजिएगा ब्लाउज के ऊपर। गले पे देखिए मैं कैसे कट्स लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप भी पूरा कट्स लगा दीजिएगा। तो मैंने कट्स लगा दिया। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे। तो मैंने सीधा कर लिया है। अब गले के ऊपर एक सिलाई लगा के हम गले को अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मेरा गला अच्छे से पूरा स्टिच हो चुका है। अब हम ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग देखिए कर लिया है। अब मुझे इस पर डिज़ाइन करना है ब्लाउज पे, तो मैं डिज़ाइन करती हूँ, इसको साइड करेंगे। और मैंने ये देखिए कपड़ा लिया, इसको हम डबल फोल्ड करके थोड़ी चौड़ी सी पट्टी स्टिच कर देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब पट्टी को हम उलट कर सीधा कर देंगे। तो मेरी पट्टी सीधी हो चुकी है। हाथों के साथ थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। अब इसको हम दोनों साइड से स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए कैसे मैं स्टिच कर रही हूँ। एक साइड से मैंने कर दिया है, दूसरे साइड से भी स्टिच कर देते हैं। तो मैंने पट्टी को कम्प्लीटली पूरा बना लिया है। अब इसको मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है। उससे पहले मुझे डिज़ाइन के लिए कट करना है। तो ये मैंने पेपर लिया है, मैं पेज यूज कर रही हूँ बुक का, आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। बराबर में बिल्कुल देखिए मैंने जो गले में से कपड़ा कट करके निकाला था अस्तर का, उसको रख दिया है। अब इसके ऊपर से साइड में देखिए मैं मार्क कर रही हूँ दोनों साइड से। तो अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा दोनों साइड से। अब जो ये एक्स्ट्रा इस यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे पेपर को। अब जहाँ से मैंने मार्क किया है सेम उसी जगह से देखिए पहले हम आगे की साइड से कट करेंगे और पीछे के साइड से जितना मैं स्टिचिंग में लेना उतना मैं एक्स्ट्रा करते हुए कट कर लेंगे, उतना एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो मैंने देखिए कट कर दिया। जहाँ से मुझे ज्वाइन करने था मैंने ज्वाइन कर लिया है और मैंने ये पट्टी ली, इसको साइज कर लीजिएगा। अब मैं आपको साइज दिखा देती हूँ। तो मैंने देखिए पट्टी की जो लेंथ रखी है 2.3 इंच है। तो आप भी 2.3 इंच के बराबर ले लीजिएगा।
अब इसी के बराबर में हम देखिए पट्टी को पूरा फोल्ड कर देंगे। 2.3 इंच की लेंथ में रख रही हूँ, 2.3 इंच की लेंथ में आप भी पूरा पट्टी को ले लीजिएगा और इसको फोल्ड करके मैंने देखिए बराबर कर लिया है। अब इसको हम कट कर देते हैं। तो मैंने पट्टी पूरी कटिंग कर दी है। अब मैं पेपर ले लेती हूँ और उसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाते हूँ। वीडियो में देखिए इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। इसी तरीके से डिज़ाइन करते हुए हम दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। तो पट्टी को चलिए मैं डिज़ाइन करते हुए पूरा स्टिच कर देती हूँ। तो आप वीडियो में देखते रहिए, इसी तरीके से आपको भी ये डिज़ाइन बनानी है। जैसे मैंने डिज़ाइन देखी यहाँ तक बनाया, सेम ऐसे आप भी बना लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने एक साइड से पूरा डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से भी हम डिज़ाइन को बनाते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है इस साइड से, गले के साइड से, उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब मैंने कटिंग कर दी है। अब इस साइड से मुझे पाइपन करना है, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया। इसको हम क्रॉस में देखिए कट कर रहे हैं। अब मैंने इसको स्टिच कर लेती हूँ बराबर करते हुए। तो क्रॉस कटिंग करने से हमारा कपड़ा स्ट्रेचबल रहता है। ये मैंने देखिए जॉइंट कर लिया। अब इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर देती हूँ साइड से। तो मैंने देखिए ये पाइपन के लिए फेयर कपड़ा बना दिया है पट्टी को। अब इसको हम पहले स्टिच करते हैं साइड में बिल्कुल। तो पूरे साइड में हम इसको स्टिच कर देंगे। तो ये मैंने देखिए स्टिचिंग कर दी है। अब इसको मैं गोल करते हैं बिल्कुल अच्छे से और एक सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे पूरा पाइपन बना के। मैंने देखिए पूरा पाइपन बना के अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है डिज़ाइन को। अब यहाँ से जो इसको हम ब्लाउज के साथ में जॉइंट करेंगे, तो ब्लाउज के साथ में बिल्कुल बराबर में रख लेते हैं। तो अच्छे से पूरा बराबर कर लीजिएगा ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को और एक सिलाई लगा के हम इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए साइड में मैंने पूरा स्टिच कर दिया है। जो साइड का है उसको हम निडल के साथ ऐसे नीचे के साइड से जॉइंट कर देंगे पूरा। ये देखिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से इसको जॉइंट कर लिया है। मैंने लैस लिया है और लैस को हम गले पे पूरा स्टिच कर देंगे। तो किस तरीके से मैं लैस को गले पे स्टिच करूँगी आप वीडियो में देखते रहिए। सेम इसी तरीके से आपको भी ये लैस को स्टिच करना है। ये देखिए मैंने लेस एक साइड से स्टिच किया है, मैं दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेती हूँ पूरा। तो मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से लेस को अच्छी तरीके से गले पे स्टिच कर दिया है। अब मैंने जो पेपर यूज किया उसको अच्छे से पूरा रिमूव कर देंगे पेपर को। और ये मेरी डिज़ाइन देखिए कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन थी। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन ब्लाउज देखने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।